बुलंदशहर में भाजपा विधायक संजय शर्मा की शिकायत के बाद एसएसपी बुलंदशहर कल रात जांच करने के लिए कोतवाली जहांगीराबाद पहुंचे थे। वहीं एसएसपी ने कोतवाली में तैनात स्टाफ को कोतवाली के एक कक्ष में नजरबंद करवा दिया। वहीं स्टाफ के किसी भी मेंबर को कोतवाली से बाहर नहीं निकलने दिया। एसएसपी के साथ होने वाली फोर्स ने कोतवाली की छत, पुलिस के आवास और कोतवाली के आसपास खेतों में अभियान चलाया और एसएसपी और विधायक की गोपनीय गुफ्तगू के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कोतवाली के खाकी की आड़ में वसूली का धंधा चलाने का पूरा मामला सामने आया है। एसएसपी द्वारा भेजे गए एक बुजुर्ग को फरियादी ने कोतवाल ने गाड़ी में तेल डलवाने के लिए रुपए भी वसूले थे और गौकशी के आरोप में पकड़े बेगुनाह को भी 15,000 रुपए लेकर छोड़ने का कोतवाल पर आरोप है। तो खाकी की आड़ में वसूली का ये पूरा धंधा सामने आया, जहां पर बुजुर्ग से कोतवाल ने गाड़ी में तेल डलवाने के नाम पर जो है रुपए वसूले हैं, जिसको देखते हुए पुलिस ने एक कार्रवाई की है। बाद में थाना प्रभारी के पद पर तैनात श्री रमाकांत यादव के विरुद्ध जनता के साथ दुर्व्यवहार तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें काफ़ी दिनों से मिल रही थी। आज कई गंभीर प्रकरणों में उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली। थाने पर जाकर मेरे द्वारा परीक्षण किया गया, गोपनीय सूत्रों से जानकारी की गई तो पाया गया कि इनके विरुद्ध जो आरोप प्राप्त हो रहे थे उनमें काफ़ी हद तक सत्यता है। प्रथम दृष्टया यह विश्वास होने पर और ये पाए जाने पर जाँच से कि ये आरोप सत्य हैं, इन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उन आरोपों की जो लिस्ट है, सूची है, उसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर बुलंदशहर को सुपुर्द की गई है। एक संवाददाता सत्यवीर से जानकारी लेंगे। सत्यवीर, पैसे वसूलने का ये पूरा मामला क्या है? मामला था, आपको बता दें कि जो रमाकांत यादव एसएचओ थे उनके द्वारा लगातार जो फरियादों से लगातार जो भ्रष्टाचार के आरोप में जो लगातार लग रहे थे, स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत लगातार जो जो विधायक हैं मौजूदा संजय शर्मा उन बीजेपी से विधायक है उनसे लगातार शिकायत कर रहे थे। तो लगातार जो एसएसपी की संज्ञान लेते हुए कल रात लेट डाली गई लगभग करीब तकरीबन 8 बजे के आसपास और थाने के आसपास जो ऑपरेशन चला गया तो लगातार जो जिस तरह से जो और इस तरह से लेट डाली गई थी जो जितने भी जो पुलिसकर्मी हैं यानी बाहर कोतवाली से निकलने बाहर नहीं निकल पाए इस तरह से जो है रेड डाली गई थी। वहीं बता दें जिस तरह से कई घंटे के बाद बावजूद जो है फिर एसएसपी तरफ से कार्रवाई करते हुए उनको फिलहाल तत्काल से निलंबित कर दिया गया है और इसकी जांच जो है एसपी सिटी को 7 दिन के अंदर सौंपने को आदेश दिए गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।